पूरी आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की भारत की कोशिशें लगातार जारी हैं। आज सिंधु जल समझौते पर भारत कोई बड़ा फैसला ले सकता है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी आज सिंधु जल समझौते की समीक्षा करेंगे। पीएम आज इस मामले के जानकारों और संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ समीक्षा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती और उनके मंत्रालय के अधिकारी आज पीएम को सिंधु समझौते को लेकर पूरी जानकारी देंगे। आपको ये भी बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस समझौते पर 1960 में दस्तखत हुए थे, जिसमें दोनों देशों में सिंधु नदी और इसकी 5 सहायक नदियों के जल के बंटवारों पर सहमति बनी थी। उरी आतंकी हमले के बाद सरकार ने ऐसे संकेत दिए थे कि वो पाकिस्तान के साथ इस समझौते पर फिर से विचार कर सकती है। दो दिन पहले भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से संकेत दिया गया कि वो इस पर फिर से विचार कर सकता है। Between India and Pakistan on the implementation of the Indus Waters Treaty. Eventually, any cooperative arrangement requires goodwill and mutual trust on both sides. Treaty रद्द होनी चाहिए या नहीं, इस पर सियासी पार्टियों की क्या राय है, अब ये भी सुन लीजिए। कमाल का समझौता है जो कि 4 जंग होने के बावजूद वो कायम रहा है, उसको आप रद्द करना चाहते हो तो दुनिया आप पर क्या भरोसा रखेगा? आपका हस्ताक्षर तो उस पर है। ये इंडस वाटर ट्रीटी पर है, उसके कई पहलू हैं। क्या उसके बाद होना है या क्या उस पर कोई निर्णय होता है या जानकारी यदि भारत सरकार को देनी है तो औपचारिक रूप से उपलब्ध हो जाएगी। एक तरफ जहां सोशल मीडिया में पानी रोकने की जबरदस्त मांग हो रही है, वहीं ज्यादातर जानकार इसके पक्ष में नहीं है। इसके पीछे तर्क यह है कि पानी रोकने से भारत में बाढ़ का खतरा होगा। इस वक्त पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर है, पानी रोकने से ये प्रेशर हट जाएगा। भारत पर अतिवादी कदम उठाने का आरोप लगाकर पाकिस्तान आतंकवाद से ध्यान भी भटका सकता है। एक जिम्मेदार ताकत होने की वजह से भारत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को तोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता है। percent and some other figure amount of water which our reservoirs can hold be hold keep that much and I mean and can stop the rest from going to Pakistan which means to say let's say for the sake of argument from 80% comes down to 45-50% or something like that that'll be good enough to firstly send a message to them and secondly cause them sufficient hardship to rethink their strategy about trying to bleed us तो अब सिंधु नदी पर आज समीक्षा ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर उमा भारती इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तमाम जो नेता हैं वो बैठेंगे और उसके बाद इस पर समीक्षा होगी। रवि त्रिपाठी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रवि, ये समीक्षा तो होनी है लेकिन क्या लगता है कोई इसके अलावा कोई सीमित विकल्प मिल सकता है सरकार को? देखिए विकल्प समझौते को तोड़ना नहीं है विकल्प तो लगता है। हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क कट गया, आगे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि आज इस पूरे मामले में समीक्षा बैठक होनी है।